आज जो है हम लोग अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, के हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है या कौन से एरियाज़ ऑफ केमिस्ट्री को हमने टच करना है। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 7 इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ FSC केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। जब भी आपके पास वर्ड थर्मो आएगा तो यू मस्ट नो कि इट इज़ रिलेटेड टू द हीट, कि इसके अंदर जो बात होगी हम हीट से रिलेटेड करेंगे। अब हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हमने, अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस। जब भी केमिकल चेंज होगा, जिसको हम आम जुबान में रिएक्शन कहते हैं, हर रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज को, हीट के चेंज को जब भी हम स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच कहलाएगी? थर्मोकेमिस्ट्री, दैट वुड बी कॉल्ड एज दी थर्मोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 7 विल बी ऑल अबाउट द हीट एंड एनर्जी एंड इट्स चेंजेस, के जब भी रिएक्शन होता है तो एनर्जी के अंदर जो से हैं वो चेंजेस क्या आते हैं। फिर इस चैप्टर में हम डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे जो कि आप पहले भी पढ़ के आए हैं, और उन्हीं के बारे में जो है मज़ीद डिटेल में हम इसके अंदर जानेंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से भी मौजूद होगी आपके माइंड में। एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शंस विच नीड एनर्जी, जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े या जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच एमिट एनर्जी, जो कि एनर्जी को निकालते हैं बाहर, एनर्जी उनमें से निकलती है रिएक्शन के नतीजे में। तो ये दो टाइप्स जो सी हम शुरू से 9th और 10th की क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, हम जो है उनके बारे में जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एंडोथर्मिक क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं। फिर हम इस चैप्टर में आगे जो है वो पढ़ेंगे अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये भी एक इंटरेस्टिंग और इंतहाई आसान टॉपिक है आपके इस चैप्टर नंबर 7 का, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो कि खुद ब खुद अमल में आ जाते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस आर दोज वो नीड एनर्जी। तो इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हम इस चैप्टर के अगले पोर्शन की तरफ जब बढ़ेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट डेफिनेशंस, क्योंकि जब भी आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे या जब अगर आप इंजीनियरिंग में इसका नाम देखें तो द टर्म इज़ थर्मोडायनामिक्स। ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स होता है किसी भी इंजीनियरिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्पेशली आपकी इंजीनियरिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप तमाम का तमाम जो है हीट और उससे रिलेटेड जो सी एनर्जीज होती हैं उनको स्टडी करते हैं। तो जो डिफरेंट डेफिनेशंस आपने इस चैप्टर में समझनी है जो कि आपके आगे चल के काम आएंगी, दोज विल बी द सिस्टम, के सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर बाउंड्री क्या होती है, उसके अंदर स्टेट फंक्शंस कौन से होंगे, और इस तरह उसी से रिलेटेड जो सी है डिफरेंट आपके पास डेफिनेशंस होंगी, जिनको हम एग्जांपल्स की मदद से डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने एनर्जी को या इस चैप्टर में थ्योरी को लेके आगे क्या चलना है। ये जो सी सारी डेफिनेशंस होंगी दे विल बी सेटिंग द बेस, ये हमारे लिए बेस के तौर पर काम करेंगी आगे आने वाली चीज़ों के लिए जो हमने इसमें स्टडी करनी होंगी। तो जो मेन इस टॉपिक का हिस्सा है या जो मेन इस टॉपिक में चीज़ें हमें कवर करनी हैं वो हैं जी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
कि हीट जो है किसी भी सिस्टम के अंदर वो कौन कौन से लॉज को जो है वो फॉलो करती है। तो हम जो उनसे हैं इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली देर आर टू लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसके नतीजे में हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी एंथैल्पी की, कि एंथैल्पी क्या होती है। और फिर जब एंथैल्पी को हम डिफाइन कर लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज जो होती हैं वो स्टडी करेंगे, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज जो होती हैं हम स्टडी करेंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एंथैल्पी की डेफिनेशन देगा इस चैप्टर के अगले हिस्से में जाके। तो उसके बाद जो सी हैं ये तमाम की तमाम डिफरेंट डेफिनेशन आएंगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन अलॉन्ग विद देयर रिप्रेजेंटेशन। के अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल है तो उसको डेल्टा एच एन से डिफाइन करते हैं, और उनकी डेफिनेशन और कुछ कुछ रिएक्शंस और उनकी वैल्यूज़ भी हम इस चैप्टर में याद करेंगे। जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद एक और टॉपिक आएगा अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, कि हमने जो एंथैल्पी पढ़ी है कि किसी भी चेंज के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हीट का चेंज इन्वॉल्व है वो हमें कैसे पता लगा या उसको हमने कैसे मेजर किया। तो एंथैल्पी की मेजरमेंट के भी हम जो उनसे हैं वो दो एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे, दो अप्रेटस पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। वो नंबर वन वुड बी द ग्लास कैलोरीमीटर, ये आप लोगों ने अपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में भी किया था, जिसके अंदर आप एक जारनुमा चीज़ लेते थे जो कि बाहर से सील्ड होती थी, और उसके अंदर आप क्या करवाते थे, आप एसिड और बेस को जो है NaOH और HCl को मिक्स करते थे, और इसको सील करके इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा होता था और आप उसकी इंथाल्पी नोट करते थे कि पहले इसका टेम्परेचर कितना था और रिएक्शन के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया। तो वो जो ऑपरेटर था जिसके अंदर ये ग्लास और ये इंसुलेशन और ये होता था, दैट वाज दी ग्लास कैलोरीमीटर। तो ये आपने अपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा। दूसरा जो होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये आपके लिए नई चीज़ होगी और ये भी एक अप्रेटस ही होता है जो कि बॉम्ब नुमा होता है, इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये भी क्या कराता है, हमें एंथैल्पी की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करवाता है। इसकी मदद से आप एंथैल्पी ऑफ एनी सिस्टम मेजर कर सकते हैं। तो हम इनकी इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से इसको जो है इस चैप्टर के में जो है समझेंगे कि अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे, किस तरह हम उसकी एंथैल्पी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद जो होगा लास्ट टॉपिक आएगा आपके इस चैप्टर का, जो कि है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू दी चैप्टर नंबर 6 एंड 5। इसके अंदर जो है हम ये हेसेस लॉ को स्टडी करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, और जो मेन एग्जांपल है वो हमारी होगी बॉर्नहाइबर साइकिल की। पहले हम हेसेस लॉ को समझेंगे कि हेसेस लॉ कहता क्या है, और फिर उसकी हम इंडस्ट्री में होने वाले बॉर्नहाइबर साइकिल प्रोसेस की ऊपर जो है हेसेस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। इस लॉ को इस प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल करते हुए हम इस लॉ को मज़ीद जो है वो समझेंगे कि डिफरेंट एंथैल्पीज जब होती हैं तो उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कौन से लॉ को वो फॉलो करता है, और किस तरह हम इसको लेके चलते हैं। तो दिस वुड बी आवर टॉपिक आवर चैप्टर नंबर 7, विच इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आपकी आने वाली जो सी केमिस्ट्री होगी उसके अंदर हीट, या अगर आप इंजीनियरिंग साइड पर जाएंगे कल को तो थर्मोडाइनमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, अगर आपके यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट हीट एंड इट्स चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे क्लियर होंगे तो दे विल हेल्प यू आउट इन दोज प्रोसेसेस जब आप नेक्स्ट टाइम इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और आई होप कि आपको इसमें
किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हम इसको ऑफिशियली शुरू करेंगे विद टॉपिक वाइज। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन था।